दोस्तों माँ बनना एक महिला के लिए अलग ही एहसास होता है। माँ बनने के बाद महिला एक नई जिंदगी से अवगत होती है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि 6 महीने के अंदर ही एक महिला 85 बार माँ बन गई तो आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे और यही कहेंगे कि ऐसा करना एकदम नामुमकिन है और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य असम की एक महिला बीते 6 महीने में 85 बच्चों को पैदा करने का मामला सामने आ गया है। यह वाक्य असम के एक सरकारी अस्पताल का है। वहाँ ये औरत डिलीवरी नर्स का कार्य करती है। दरअसल सुरक्षित प्रसूति को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक गर्भवती महिला जो इस सरकारी अस्पताल में उपचार करवाएगी उसे सरकार की ओर से 500 रुपये दिए जाएंगे। नर्स लिली बेगम लस्कर ने इस अवसर का लाभ उठाया। अधिकारियों की माने तो इस सरकारी अस्पताल में अब तक 160 डिलीवरी दिखाई गई हैं। इसमें से 85 मामलों में उसने स्वयं को ही गर्भवती के तौर पर पेश किया है। इस सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए इस महिला ने बच्चा पैदा करते हुए 40,000 रुपये कमा लिए हैं। सूत्रों की माने तो गुवाहाटी से 350 किलोमीटर दूर करीमगंज जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी सरफराज हक का बताना है कि जैसे ही उनको अस्पताल से किसी बेनाम शख्स ने इसके संबंध में जानकारी दी तो वह तत्पश्चात वहां जाकर मुआयना करने लगे। जांचकर्ता ये जानकर हैरान रह गए कि उस औरत ने 85 फर्जी प्रसव अपने नाम पर लिख रखे हैं। सरफराज का बताना है कि भुगतान का कार्य किसी भी अन्य नर्स को ना देकर यह खुद ही संभाल रही थी, इसलिए उसे ऐसा फर्जी काम करने में अधिक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु यही कारण है कि वो काफ़ी सरलता से भी पकड़ी गई। 17 सितंबर को उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसने बताया है कि हम जैसी नर्सों पर काफ़ी दबाव होता है, हम जो कार्य करते हैं हमें उसके मुताबिक पैसा नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे इसका कोई खेद नहीं है। इस महिला ने ज़रूरतमंद महिलाओं का हक खाया है। तो दोस्तों इस नर्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।